नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ यश कुमार। आज मैं डायबिटीज़ यानी शुगर के इलाज के बारे में कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे देश में बने हुए ऐसा कई वनस्पति या आयुर्वेद है जो कि इंसान का कोई भी बीमारी से उसे मुक्त कर सके। इसके लिए हमें उसे जानना और उसे सही तरीक़ा से प्रयोग करना होगा। तो दर्शकों, आज मैं गहरी पहाड़ी जंगलों से लाया गया ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा और उसका प्रयोग विधि दिखा रहा हूँ, जो एक डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज का इलाज है। आप इसे आसानी से दवा बना सकते हैं। तो देखते रहिए इस लकड़ी का जादूगरी। ये है वो लकड़ी का टुकड़ा जो पहाड़ी जंगलों का पेड़ से लाया गया है। देखते रहिए ये लकड़ी कैसा है। छोटा सा लकड़ी है, करीबन 4 इंच का। हम कुछ विशुद्ध पानी एक छोटा सा ग्लास में दे के उस ग्लास में पानी के अंदर इसको डाल देते हैं। पानी में डाल दिया, सीधा करके रखा है। बटल का पानी, ग्लास का पानी बराबर दिखाई दे रहा है। उसके जांच के लिए बटल का और जरा नज़दीक लाए। देखिए 15 मिनट के बाद ग्लास का पानी का रंग कैसे बदलते जा रहा है, अपने आप उस लकड़ी का निर्जात से बदल रहा है। कोई हिलाने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उसका निर्जात से रंग बदलेगा और भी गहरा होगा। ये आधा घंटे के बाद नज़दीक लाते हैं। एक घंटे के बाद पानी और भी गहरा हो गया और उसका पानी का ऊपरी स्तर पर एक नीला जैसा स्तर दिखाई दे रहा है, जैसे कि इंद्रधनुष का तीरा दिखाई देता है। अब 3-3.5 घंटों के बाद हम उस गिलास से लकड़ी को निकाल लेते हैं। लकड़ी को निकाल लिया, अब ये पानी मरीज को पीने का लायक हो गया। देखिए पानी का रंग कैसे आया, ये इंद्रधनुष का रंग, जैसे कि चाय का ऊपर कोई इंद्रधनुष लगा हुआ है ऊपर ऊंचाई से। इसका मतलब ये अब दाबा बन चुके हैं, अब मरीज इसे पी सकता है। मैं डायबिटीज यानी शुगर की मरीजों को पूरा विश्वास के साथ ये बता सकता हूँ कि अगर मरीज इसे रोज़ाना सुबह एक बार करके पी जाए तो उसे 25 से 30 दिन में शुगर मुक्त हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये मुनि ऋषियों की बात है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बेहतर होगा कि मरीज अगर सोने से पहले इसको पानी में डाल दें और सुबह पी जाए, तब इसमें इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और कोई भी सुस्त व्यक्ति भी इसे पी सकता है, क्योंकि उसे कभी भी शुगर का बीमार ना आए। लकड़ी का काम हो जाने के बाद इसे चाकू से छील लेना चाहिए, क्योंकि जब ये दोबारा इस्तेमाल करें तब उसका निर्जात इसे आसानी से निकाल सके। ऐसा एक लकड़ी कम से कम 6 महीना तक दवा बना सकते हैं। दर्शकों, अगर किसी को इलाज के लिए इन पेड़ों टुकड़ों का ज़रूरत है
तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, उसमें इस दवा लकड़ी का मिलने का पूरा जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक सुस्त भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।